नामदेव माली सबक नंबर 6 का खुलासा है। निसाब में शामिल मौलवी अब्दुल हक का सबक नामदेव माली एक माली का खाका है जिसका नाम नामदेव था। नामदेव मकबरा राबिया दौरानी औरंगाबाद हैदराबाद दखन के बाग में माली था। नामदेव बहुत ज्यादा मेहनती था जिसे बागवानी से इश्क और पौधों से प्यार था। वो पौधों को पानी देकर इन्हें हर जाविये से देख देखकर खुश होता था। नामदेव की कोई औलाद नहीं थी और वो पेड़ पौधों को ही अपनी औलाद समझता था और औलाद ही की तरह इनका ख्याल करता था। एक एक पौधे के पास बैठता और यूं लगता कि जैसे वो पौधों से बातें कर रहा है। वो पौधों को फलता फूलता बढ़ता देखकर बहुत खुश होता था और अगर किसी पौधे को कीड़ा वगैरह लग जाता तो इसे बड़ी फिक्र हो जाती थी। वो इसकी दुआ दारू का बंदोबस्त करता और जब तक पौधा दोबारा तवाना ना हो जाता उसको चैन नहीं आता था। इसके अलावा इसको जड़ी बूटियों की भी पहचान थी और वो उससे यानी जड़ी बूटियों से बच्चों का इलाज भी करता था। खुद भी साफ सुथरा रहता था और बाग को पौधों को पेड़ों को भी साफ सुथरा हमेशा रखता था। इसे ना किसी सताइश की तमन्ना थी और ना ही इस बात की कि इसकी मेहनत कर से क्या सिला मिलता है। वो बस अपने काम में हर वक्त मगन रहता था और हर वक्त अपना काम करता रहता था। एक साल बारिश की कमी की वजह से जब पानी की किल्लत हुई तो कहीं दूर से पानी ढो ढो कर लाता और पौधों और पेड़ों को देता जिसकी वजह से इसका बाग हरा भरा और सरसब्जो शादाब रहा। इसकी इस कारगुजारी पर जब मुसन्निफ ने यानी मौलवी अब्दुल हक ने इसे इनाम देना चाहा तो उसने ये कहकर इनाम लेने से इनकार कर दिया कि अपने बच्चों की परवरिश करने में कोई इनाम का मुस्तहिक नहीं होता। हैदराबाद के निजाम ने औरंगाबाद में बाग लगाने का काम नाजिम तालीमात डॉक्टर सैयद सिराजुल हसन के सपुर्द किया था। वो नामदेव को मकबरे से शाही बाग में ले गए। वहाँ भी उसके वही रंग थे, न गुरूर न तकब्बुर सिर्फ काम की धुन। एक दिन बाग में शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया, सब माली तो भाग गए। नामदेव अपने काम में इतना मगन था कि उसको खबर ही नहीं हुई और मक्खियों ने नामदेव पर सख्त हमला किया जिससे वो बेदम हो गया और उसने जान दे दी। नामदेव सीधा साधा हर वक्त मुस्कुराता रहता, हर एक से झुककर मिलता। खुद गरीब था मगर हर एक की मदद करता। गर्मी सर्दी धूप में बस वो काम में लगा रहता था। वो सबको अच्छा समझता और सबसे मोहब्बत करता था। मुसन्निफ तहरीर करते हैं कि नेकी और बुराई इसी में है कि इंसान अपनी सलाहियतों और माल से अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करे। इस मियार के मुताबिक नामदेव भी नेक था और बड़ा भी। हमारी वीडियो कैसी लगी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने पैरों पर रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।